चितवमहि राजत लोचन लोल अखेलत मन सिजमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। बच्चों ये दोहा है, दोहा में चार चरण होते, पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा है, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा है। आइए देखते हैं यहां पर आगे। तो संदर्भ में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अब प्रसंग में बच्चों ये खेलना कि धनुष यज्ञ के कल्याणकारी मौके पर जब धनुष तोड़ने में सभी राजा असफल हो जाते हैं और अंत में श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं तो सीता जी उनकी सफलता के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखकर उनकी व्याकुलता को जानते हैं। प्रभु चितय तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके और फिर पृथ्वी की ओर, सीता जी पहले राम को देखती हैं और फिर पृथ्वी को देखती है, चितव महिमा माने पृथ्वी, पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र, राजत लोचन लोल, सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में, चंद्रमंडल रूपी झूले में, डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हो। इसके बाद बच्चों गिरा अनिल मुख पंकज रोकी प्रगट न लाज निसाय वालो की लोचन जल रहा लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है और लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है और नेत्रों का जल नेत्रों के कोने यानी कोने में यहाँ कोए में ही रह जाता, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना को कोने में ही गड़ा रह जाता है। इसके बाद सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरती रजु प्रतीति उर आनी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जान करके, अपनी बढ़ी हुई परेशानी व्याकुलता जान करके सीता जी सपचा गई और धीरज धर करके हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है तो भगवान सकल उरबासी अकर मोहि रघुबर के दासी जही के जही पर सत्य सने हूँ सोते ही मिलयन कछु संदे हूँ। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी की श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह सच्चा प्रेम होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कोई भी कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियहि बिलोकित केव धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे है ना। तो प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया है ना, कहने का मतलब अर्थात ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं, अगर मेरा ये शरीर है तो ये राम का रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए, उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर वैसे ही देखा वैसे ही ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। बच्चों यहां पर काव्य सौंदर्य में लिखना, यहां सीता जी का राम के प्रति प्रेम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है, भाषावधि शैली प्रबंधात्मक छंद दोहा एवं चौपाई रस करुण रस गुण प्रसाद अलंकार उपमा और रूपक अलंकार। इसके बाद अगला बच्चों देखिए लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंडु अपुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांडु
चरण चापि ब्रह्मंडू के कल्याणकारी अवसर पर श्री रामचंद्र द्वारा धनुष भंग के मौके पर सभी उपस्थित लोगों के मन चित्त का यहाँ पर वर्णन है। जो वहाँ पर नगर के लोग थे, नगर नर नारी थे, उनके मन की दशा क्या है वो यहाँ लिखा गया है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है ना, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले कि दिस कुंज रहूं कमठ यही कोला, धरो धर निधरि धीर न डोला, राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनी आयस मोरा। हे दिग्गजों, हे दिशाओं रूपी हाथियों, हे कच्छप, हे शेष, हे दिग्गजों, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ, है ना। और इसके बाद बच्चों, चाप समीप राम जब आए, नर नर न सुर सुकृत मनाए, सबकर संसव अरु अज्ञानु, मंद मही पन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, अच्छे कर्मों को याद किया, और सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का घमंड, अब भ्रघुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई, सियकर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता भय और सीता जी का सोच और जनक का पछतावा और रानियों के दारुण दुख का दावानल है ना। और शंभु चाप बड़ बोही तुपाई, चढ़े जाए सब संग बनाई, राम बाहु बलु सिंधु अपारु, चात पारु नहीं को कड़हारु। अरे भाई, जो है ये सब मिल करके शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके, अरे समाज बना करके उस पर जा चढ़े, और वे श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि श्री रामचंद्र जी के धनुष की तरफ ताकते देखकर लक्ष्मण का वचन आज्ञाकारी भाई की भावनाओं का अनूठा वर्णन है। भाषा अवधि शैली प्रबंधात्मक छंद दोहा एवं चौपाई रस